नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज के टाइम में इंडिया और चाइना एलएसी में एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले चाइना ने अपनी आर्मी को एलएसी के आसपास बढ़ाना शुरू कर दिया था, और जून में इन दोनों कंट्रीज की आर्मी के बीच थोड़ी बहुत टू टू फ्रंट वॉर भी हो गई थी, लड़ाई टाइप से हमारी सेना की उसमें 20 और चाइना के 43 सैनिकों की मृत्यु भी हुई थी। वेल, चाइना का कन्फर्म नहीं है, वो 43 से ज़्यादा भी हो सकता है, 43 से कम भी, लेकिन भारत के इंटेलिजेंस का मानना था कि 43 से 45 चाइनीज मिलिट्री की सैनिकों की यहाँ मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, जहां चाइना हमेशा ही एलएसी में एग्रेसिवनेस दिखाता है, वही भारत हमेशा विदाउट एनी फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन के सब चीज सुलझाने की कोशिश करता है। लेकिन विपिन रावत, जो कि हमारे सीडीएस चीफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उनके ये कहने के पहले तक कि अगर चाइना सामने से अगर कुछ गलत एक्टिविटी करेगा तो भारत भी मिलिट्री ऑप्शन की तरफ देख सकता है, यानी कि भारत की आर्मी भी अब कहीं ना कहीं रेडी है चाइना के साथ एक टू फ्रंट वॉर में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन अगर सामने से वॉर डिक्लेयर हुई तब, तो दोस्तों आज यही बात करेंगे कि कितने परसेंट चांसेस है इंडिया के एक टू फ्रंट वॉर होने के चाइना के साथ, इस वॉर के क्या क्या आफ्टरमैथ हो सकता है, ये सारी चीजें जानेंगे। बट बिफोर दिस, अगर आपको आई की फॉर यू की वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो अब टू फ्रंट वॉर इसलिए बोला मैंने क्योंकि भारत अगर मान लो चाइना के साथ एक फुल फ्लेज्ड वॉर में हिस्सा लेगा, तो दोस्तों चाइना भारत को एलएसी के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी अगर चाइनीज ट्रूप्स वॉर डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पर वॉर के दो फ्रंट हो जाएंगे, एक अरुणाचल प्रदेश वाला, एक एलएसी वाला। दोस्तों, और हो ना हो, पाकिस्तान भी यहाँ भारत के चाइना के साथ भिड़ने का फायदा उठा सकता है पीओके से अटैक करके, जिससे भारत को तीन जगहों से एक साथ शायद वॉर करना पड़ सकता है, एक एलएसी, दूसरा पीओके कश्मीर साइड और एक अरुणाचल प्रदेश में, जिससे भारत के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है यहाँ पे। और भारत भले ही इन सब लड़ाई को लड़ने में सक्षम है, लेकिन भारत खुद इन दोनों से लड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर एक फुल फ्लेज्ड वॉर होती भी है किसी भी दो कंट्रीज के बीच में, तो भारत के भी बहुत सारे सोल्जर और साथ ही साथ आज सामने वाले कंट्री के भी बहुत सारे सोल्जर की जानें गंवानी पड़ सकती है, और ये भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा और ना ही सामने वाली कंट्री चाहेगी। भारत बस इतना चाहता है कि ये बातें मिलिट्री टॉक्स से सुलझाई जा सके, लेकिन अब बहुत सारे एक्सपर्ट ने माना है कि मिलिट्री टॉक्स भी भारत और चाइना के स्टैंड ऑफ में काम नहीं आ रहा है। अब टोटल 4 से 5 बार कुछ हैवी मिलिट्री टॉक्स हुए हैं भारत और चाइना के बीच, लेकिन अभी तक इन मिलिट्री टॉक्स का कोई आउटपुट दिखा नहीं है दोनों कंट्रीज को, बल्कि ऐसे मिलिट्री टॉक्स होने के बाद चाइना और एग्रेसिव नीति अपनाने की कोशिश में लगा रहता है, क्योंकि जब गलवान वैली में झड़प हुआ था तो उसके कुछ ही टाइम पहले इनके बीच में एक बॉर्डर के सिचुएशन को ठीक करने के लिए मिलिट्री टॉक्स हुए थे, लेकिन उसके बावजूद चाइना ने सामने से ही अटैक किया था इंडियन ट्रूप्स पर। अब बहुत से एक्सपर्ट का ये कहना है कि चाइना यहाँ इस एलएसी के बॉर्डर स्टैंड ऑफ को ज्यादा टाइम तक ले जाने का मन बना के आया है। अब ये स्टैंड ऑफ है क्यों, देखते देखो ये है मैप, ये रहा हमारा प्यार भारत, ये रहा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और देखो ये है पांगोंग सो लेक। अब यहाँ जो ये पहाड़ दिख रहा है ना, इसे एक्चुअल में फिंगर बोला जाता है, ये टोटल फिंगर है यहाँ, है ना, तो टोटल यहाँ 8 फिंगर है, इसे पहाड़ पहाड़ कोई इसे फिंगर बोला जाता है ना, तो यहाँ पे कुछ फिंगर्स पर भारत का अधिकार है और वहीं चाइना भी फिंगर्स पर क्लेम करता है, 5 से 8 फिंगर तक। अब चाइना का बेस यहाँ मिलेगा आपको, जो अब चाइना करता क्या है इसमें, है ना, फिंगर 6 से फिंगर 8 के बीच अपने ट्रूप्स को वो बढ़ाने लगता है, कब, 1-1.5 महीने पहले गलवान वैली इंसिडेंट के जस्ट तुरंत बाद, उस वक्त गलवान वैली में चल रहा था, उसके बाद चाइना ने वहां से शिफ्ट कर लिया पांगोंग सो लेक के पास। अब क्योंकि ट्रूप्स वो वहां बढ़ा रहा है इस रीजन पर, और वो भी 15-20 सोल्जर नहीं, हजारों में, तो जरूर वो कुछ एक स्मॉल स्केल वॉर के जरिए जो कि फिंगर 1 से फिंगर 4 के एरिया है उसको हथियाने की कोशिश कर रहा है, जो कि भारत क्लेम करता है या जो भारत का है, और इसी की वजह से पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइना की आर्मी है, उसको काउंटर करने के लिए भारत यहाँ पर अपने आर्मी को एलएसी के इस एरिया में बढ़ा रहा है, और धीरे धीरे बॉर्डर में टेंशन भी बढ़ते जा रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि अब चाइना शायद यहाँ काफी टाइम के लिए अपनी आर्मी को रखने वाला है ऐसा लगता है, क्योंकि चाइना अभी यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की तैयारी कर रहा है, मतलब चाइना अभी यहाँ पे ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाने की तैयारी में लगा हुआ है, मतलब चाइना एलएसी में पांगोंग सो लेक के पास एक लॉन्ग टाइम स्टे करने आया है ऐसा लग रहा है, और साथ ही साथ वो ही ऑप्टिकल केबल बिछाकर अपने एलएसी के पास से कम्युनिकेशन को फास्ट, एफिशिएंट और सिक्योर बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि अगर कोई भी मिलिट्री की कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना हो अपने हेडक्वार्टर्स तक, जो कि चाइना के कुछ मिड एरिया में होंगे, तो इस सिक्योर नेटवर्क के थ्रू उसे वो भेज सकता है, क्योंकि पहले यहाँ रेडियो वेव का यूज़ किया जाता था जिसे आसानी से हवा में ही जैमर वगैरह लगाकर डिफ्यूज किया जा सकता है, तो चाइना इससे बचने के लिए ही फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज कर रहा है। वेल, तो अब भारत इसके लिए क्या कर रहा है, अब पहली बात तो ये रखो, ध्यान रखो, ऑप्टिकल फाइबर केबल से जो नेटवर्क ट्रांसमिट होता है वो काफी सिक्योर ट्रांसमिशन होता है वो, तो देखो भारत भी कैपेबल है वहां फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने के लिए एलएसी में, ठीक है, क्योंकि
भारत ने अभी अभी अंडमान तक करीब 2300 किलोमीटर के फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाया, और अंडमान निकोबार में लोग अच्छा नेट अभी यूज कर रहे हैं। तो पॉसिबल तो है, इंडिया भी कर सकता है, लेकिन शायद थोड़ा टाइम लगेगा भारत को, क्योंकि इतना फंड भारत के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। और साथ ही साथ भारत के लिए विंटर का आना भी थोड़ा मुश्किल साबित कर सकता है, और ये चाइना के लिए फायदा हो सकता है, क्योंकि जहां एलएसी में सोल्जर भारत डिप्लॉय अभी कर रहा है, लेकिन वही चाइना अपने 50,000 सोल्जर को ऑलरेडी डिप्लॉयड कर चुका है उस एरिया में। अब इससे नुकसान ऐसे होगा भारत को कि ये जो है ये भारत के कॉस्ट को बढ़ाएगा, क्योंकि भारत के सोल्जर्स अगर ऑलरेडी 12 से 14 हज़ार फुट की ऊंचाई पर तैनात होंगे तो उनके खाने पीने का खर्चा, उनके रहने खाने का खर्चा भी बढ़ेगा, और भारत ज़्यादा से ज़्यादा इन सब खर्चों को कम करने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत के डिफेंस बजट की बात करूँ तो भारत के सोल्जर के रहने खाने के लिए पैसा जहाँ से आता है वो करीब 4 लाख करोड़ रुपए के करीब है डिफेंस बजट, यानी रफली अगर मैं कहूँ तो 60 से 65 बिलियन डॉलर के करीब। वही अगर चाइना की बात करूँ तो चाइना का डिफेंस बजट अभी 180 बिलियन डॉलर के करीब है, तो करीब यहाँ पर 3 से 3.5 गुना ज़्यादा ही है ना, जो कि भारत के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। अब चाइना को इससे ज़्यादा कोई नुकसान होने वाला है नहीं, वही भारत को इससे थोड़ा उसके डिफेंस बजट को मैनेज करने में थोड़ा नुकसान होगा, है ना। और साथ ही साथ इस केस में चाइना के पास एक अपर हैंड है ना, और एक और अपर हैंड चाइना के पास ये भी है, जहाँ एलएसी में है ना भारत के साइड हमेशा बर्फ गिरती है, और विंटर के टाइम तो रोड भी काफ़ी इफेक्ट होते हैं, बर्फ की वजह से रोड ढक जाते हैं, तो वहीं चाइना के तरफ एलएसी के आगे एक ओल्ड डेजर्ट टाइप का एरिया है जहाँ इतने स्नोफॉल होते नहीं है, तो ये एडवांटेज है चाइना के पास वहाँ पे। तो जब बर्फ गिरती है, रास्ते जाम होते हैं विंटर्स में, तो जो सामने फॉरवर्ड पोस्ट होते हैं, जो फ्रंटियर फोर्स होती है हमारी, है ना, वहां तक खाना पहुंचाना या कुछ इंपॉर्टेंट वेपन से उसको अर्जेंटली लेस करना इंडियन सोल्जर्स को काफी मुश्किल पड़ जाता है अर्जेंट टाइम में। तो अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसमें तीन राय बनते हैं, है ना, तीन ऑप्शन बनते हैं, क्योंकि मिलिट्री टॉक्स कंटिन्यू फेल हो रहा है ना। तो इंडिया और चाइना एक्चुअल में अब करेंगे क्या आगे, है ना, इनका जो आउटपुट है वो क्या आने वाला है, देखो। तो इसमें तीन ऑप्शन बनते हैं, एक्सपर्ट की तीन राय है ना। तो पहला जो ऑप्शन है वो है वॉर, वैसे ये यहाँ पे ये ओ नहीं होगा, ये ए आएगा, ठीक है, वॉर, ठीक है। तो अगर इंडिया पहले से चाइना के खिलाफ वॉर घोषित करता है ना, पहला। दूसरा कि भारत अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय करके रखा रहे, है ना, जहाँ जब तक चाइना वहाँ रखा हुआ है, यानी कि विंटर आने तक। और तीसरा ऑप्शन बनता है कि भारत चाइना की तरफ उसके किसी एक टेरिटरी में घुस जाए, चाइना है ना, चाइना के जैसे एक टेरिटरी में, जैसे चाइना करता है कि दूसरे के टेरिटरी में घुस कर फिर उसे क्लेम करने लगता है, वैसे ही भारत भी उसके टेरिटरी में घुस के क्लेम करे, और उसके बदले वहां से वापस हटने के बदले उस टेरिटरी की मांग करे, है ना, कि वहां से वापस हट जाओ फिर हम आपके टेरिटरी को छोड़ देंगे, है ना। तो ये तीसरा ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन भारत के लिए कारगर साबित हो सकता है। देखो, तो पहला है कि चाइना के साथ एक वॉर छेड़ देना, सीधे ही, है ना। वेल, अब ये ऑप्शन उतना काम नहीं करेगा, चाइना भी कोई कच्चा खिलाड़ी है नहीं, चाइना ने भी अपने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं, ऑलरेडी 150 के ऊपर जेट्स को एलएसी के साउदर्न बैंक में डिप्लॉयड करके रखा है चाइना, टैंक भी उसके एलएसी के पास मौजूद ही है ना। और साथ ही साथ चाइना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, तो थोड़ा दिक्कत भी यहाँ भारत को फेस करना पड़ सकता है। और अगर भारत ने एग्रेसिव दिखाया है ना, एग्रेसिवनेस दिखाया, तो चाइना को ये मौका मिल जाएगा दुनिया के सामने ये बोलने का कि भारत पहले से एग्रेसिव नेचर दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो इससे अब चाइना भी चुप नहीं बैठेगा और सीधे इंडिया पर अटैक करने की कोशिश बिल्कुल करेगा। और साथ ही साथ भारत का चाइना पर वॉर डिक्लेयर करने से पाकिस्तान को भी कश्मीर की तरफ से अपने ट्रूप्स भेजकर इंसर्जेंसी फैलाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कश्मीर में, तो उस वजह से डायरेक्ट वॉर यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। और जो दूसरा ऑप्शन है कि चाइना के साथ भारत विंटर तक एलएसी में अपने ट्रूप्स तैनात रखे, लेकिन इससे भारत का डिफेंस और कॉस्ट मैनेजमेंट गड़बड़ा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब विंटर आएगा तो भारत को उनके सोल्जर्स को मैनेज करने का कॉस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि चाइना तो उसके सोल्जर्स को एलएसी में डिप्लॉयड करके उठा सकता है, लेकिन भारत अपने कमजोर रक्षा बजट का यूज करके उसे नहीं उठा सकता। तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ शायद भारत के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। और जो तीसरा ऑप्शन है, अब इसमें हम चाइना की ही रणनीति अपनाएंगे। अब इसको ध्यान से सुनो, अब इसमें देखो, ये जो पूरा है वो है एलएसी, अब इस एरिया तक को भारत क्लेम करता है ना, और उस एरिया को चाइना क्लेम करता है, लेकिन इसी के ओवरलैप क्लेमिंग की वजह से ये दोनों इस पोजीशन पर ही तैनात रहते हैं। लेकिन जो ये वाला एरिया है वो आईटीबीपी का है ना, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, जो कि काफी कमजोर रीजन माना जाता है, भारत चाहे तो यहाँ पर कब्जा कर सकता है, और यहाँ से वापस हटने के लिए, इस आईटीबीपी वाले एरिया में वापस हटने के लिए चाइना को अपने एक्चुअल पोजीशन से पीछे हटने को कह सकता है, ऐसा बोल सकता है कि आप उस एलएसी के उस पोजीशन को छोड़ो, तब हम इस पोजीशन से पीछे हटेंगे, जहाँ चाइना अभी अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर चुकी है अभी अभी फिलहाल ही कुछ महीनों में। अब देखो, ये है फिंगर 4 का रीजन, है ना, यहाँ फिंगर 5, 6, 7 है जहाँ अभी एक्चुअल विवाद खड़ा हुआ है।
तो ये फिंगर फोर के एक रीजन जो काफी इंपॉर्टेंट रीजन था भारत और चाइना के हिसाब से, उसे भारत ने 29 अगस्त को कैप्चर किया था, जो जियोग्राफिकली भारत को काफी एडवांटेज देता है। ये जगह का नाम है वैसे ब्लैक टॉप रीजन बोलते हैं इसको, है ना। तो इसी को भारत ने कैप्चर कर लिया, जो काफी जियोग्राफिकली बेहतर एरिया है, और ये भारत को एक अपर हैंड देगा। तो ये तीन ऑप्शन थे जहां वॉर पूरी तरह से भारत के फेवर में नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि भारत चाइना पाकिस्तान दोनों से एक साथ नहीं लड़ सकता, भारत लड़ सकता है लेकिन कैजुअल्टीज बहुत होंगी, और दूसरा ऑप्शन भी भारत को दिक्कत करेगा। तीसरा ऑप्शन काफी कारगर हो सकता है, लेकिन अब देखते हैं कि भारत इन सब चीजों को कैसे काउंटर करेगा। तो दोस्तों, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि क्यों चाइना भारत के खिलाफ इतना अग्रेसिव है, इवन भारत के डिफेंस के क्षेत्र में इतना पावरफुल होने के बावजूद क्यों चाइना नहीं डरता भारत से। तो अब देखते हैं कि क्यों चाइना भारत के खिलाफ इतना ज्यादा एग्रेसिव है। तो हम यहाँ भारत की उन तीन गलतियों को देखेंगे जिस वजह से चाइना भारत के खिलाफ इस तरह की एग्रेसिव एक्टिविटी करने की जरूरत करता है। तो जो सबसे पहला कारण है वो है 1962 वोका वॉर, जिसमें भारत को हार झेलनी पड़ी थी। एक्चुअल में उस वॉर में चाइना जो था वो भारत पर अचानक से सरप्राइज अटैक किया, है ना। तो भारत इसके लिए तैयार नहीं था, भारत ने सोचा ही नहीं था कि चाइना उस पर कभी एक वॉर भी डिक्लेयर कर सकता है। अब इसमें एक गलती उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने की थी, एक्चुअल में उस वक्त दो गलती की थी नेहरू जी ने। पहले की 1962 वॉर में भारत ने अपने एयरक्राफ्ट चाइना के खिलाफ यूज नहीं किए थे, भारत ने 1962 वॉर में अपने एयरफोर्स का यूज नहीं किया था। और साथ ही साथ इसके पहले भी एक गलती नेहरू ने की थी, है ना। 62 के पहले, 1962 के पहले भारत को यूएसए के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का प्रपोजल आया था कि भारत यूएसए से एक एटम बॉम्ब खरीद ले, है ना, जिसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान दोनों ही भारत पर आक्रमण करने के लिए सोचेंगे भी नहीं। लेकिन हमारे नेहरू जी ने उनके उस प्रपोजल को सीधे ठुकरा दिया था, जो कि शायद कारण हुआ 1962 के इंडो चाइना और 1965 के इंडो पाक वॉर का। क्योंकि नेहरू हमेशा ही चाइना और पाकिस्तान को लेकर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रहते थे, क्योंकि वो विदाउट एनी वेपनरी किसी भी डिस्प्यूट से बचने की कोशिश करते, जिसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान एग्रेसिव हुए बॉर्डर स्टैंड ऑफ के लिए। और भारत का इतना सॉफ्ट होना चाइना इवन पाकिस्तान को एक वॉर डिक्लेयर करने का मौका दे गया। तो ये थी पहली गलती, देखो। तो दूसरी गलती भारत ने चाइना के खिलाफ की थी, वो की थी इन 2003 वाजपेयी जी की सरकार ने। अब हुआ क्या था उस टाइम, उस टाइम भारत ने मान लिया था कि तिब्बत का कुछ पार्ट, इसमें देखो ये पूरा तिब्बत का मैप है, अब ये वाला पार्ट जो है वो चाइना का है, लेकिन 1951 के पहले ये तिब्बत का पार्ट हुआ करता था, जिसको 1951 में चाइना ने तिब्बत पर अटैक करके उसको हथिया लिया। तो ये वाला पार्ट, इसको तिब्बत का ही पार्ट बोला था चाइना ने, और ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को चाइना के ही अंदर उसने चाइना ने कर लिया था, जो कि अभी चाइना का पूरा पार्ट बन चुका है। तो भारत ने 2003 में ये मान लिया था ये जो पार्ट है ये पूरा, है ना, ये चाइना का ही है। तो भारत के ऐसा मानने से नुकसान क्या हो रहा है भारत को, अब ये मैप में देखो, ये जो है ये पूरा चाइना है, लेकिन ठीक है, लेकिन 1951 के पहले ये तिब्बत का पार्ट हुआ करता था, और यही पार्ट अब लगा हुआ है अरुणाचल प्रदेश से। अब चाइना जो कि तिब्बत के पार्ट को हथिया लिया है, वो अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्से को क्लेम करता है, और अगर कोई प्रोजेक्ट जैसे रोड बनाना हो, ब्रिज बनाना हो अरुणाचल प्रदेश के इस एरिया में, है ना, भारत को, और भारत अगर लोन लेता है वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से इस प्रोजेक्ट के लिए, तो चाइना इस एरिया को डिस्प्यूटेड बताकर लोन को कैंसिल करवाते रहता है। तो 2003 में क्योंकि वाजपेयी जी चाइना विजिट करने के लिए गए थे, तो वो एक सॉफ्ट गेस्चर चाइना की तरफ रखते हुए इस रीजन, है ना, इस रीजन को, ये रीजन चाइना का है ना, उसको मान लिया। अब वो एरिया भारत डिस्प्यूटेड कहता है ना, तो ये इंटरनेशनली तिब्बत के इस एरिया को ही डिस्प्यूटेड समझा जाता, ये अरुणाचल प्रदेश तक ही डिस्प्यूटेड के लिए चाइना क्लेम ही नहीं कर पाता, जिस वजह से परेशानी अभी अरुणाचल प्रदेश के प्रोजेक्ट को हो रही है। अगर वाजपेयी जी वो नहीं मानते कि वो एरिया चाइना का ही है, तो अरुणाचल प्रदेश के आज प्रोजेक्ट नहीं रुकते। और ये था दूसरा, ठीक है। और जो तीसरा है ये अभी के गवर्नमेंट ने की है कि हमने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। ऑलरेडी चाइना इतना अग्रेसिव रहता है ना, चाहे वो 1962 वॉर हो या अरुणाचल प्रदेश के पास चाइना का कोई अनचाह बिहेवियर, भारत पहले की तरह चाइना के जैसे अग्रेसिवनेस ना दिखाकर चाइना को शांत करने की हमेशा कोशिश करता रहता है। इवन पाकिस्तान के टेररिस्ट को भी चाइना वीटो पावर का यूज कर यूनाइटेड नेशन असेंबली में बचाकर ये हमेशा भारत को जताता है कि भारत के प्रति चाइना का रुख हमेशा ही नेगेटिव रहा है। लेकिन इसके बावजूद इंडिया एग्रेसिव कब हुई, गलवान वैली इंसिडेंट के बाद। तो ये भारत का चाइना के खिलाफ इतना सॉफ्ट रहना ही चाइना के इतने एग्रेसिवनेस होने का मेन रीजन है। और चाइना सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं रुकता, वो भारत और साथ ही साथ दुनिया के बहुत से पॉलिटिकल और वैल्यूएबल पब्लिक फिगर पर भी नजर रखता है। अब कैसे, तो चाइना हैकर्स के जरिए नजर रखता है। अब ये डेटा देखो, करीब 2.5 मिलियन लोगों के ऊपर नजर रखता है चाइना। अब ऐसा क्यों करता है, ये तो जग जाहिर है, ट्रेस करने से उसे भारत की इवन पूरे पॉलिटिशियंस की गतिविधि पूरी चाइना को ही जाती रहती है। चाइना के ही एक शेंजन बेस्ड चाइनीज कंपनी ये रिवील कर चुकी है,
अब ये कंपनी करती क्या है, ये जो है ये दुनिया भर के सारे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पर नज़र रखती है, और ये कंपनी ओपनली ये बताती है कि ये इन सब इंटेलेक्चुअल के डेटा को चाइनीज इंटेलिजेंस के साथ ओपनली शेयर करती है। दोस्तों इसे हाइब्रिड वे ऑफ वॉरफेयर भी कहते हैं। अब इसमें देखो भारत के पीएम पर भी नज़र है इनका। अब इसके साथ साथ ये कुछ लिस्ट आप देख सकते हो, लगभग सारे बड़े बड़े नाम है इसमें। इसमें करीब भारत के 10,000 लोग हैं ना, 700 के करीब तो पॉलिटिशियन है। इधर देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर हो गए हमारे, प्रेसिडेंट हो गए है ना, सोनिया गांधी हो गई, ममता बनर्जी हो गई, चीफ ऑफ डिफेंस हो गए राजनाथ सिंह है ना, CDS हो गए विपिन रावत, इवन रतन टाटा और सचिन तेंदुलकर भी घेरे में है। और भारत ही नहीं, ये USA, ऑस्ट्रेलिया और UK के साथ साथ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी घेरे में रखता है चाइना अपने। अब चाइना ऐसा कंट्री के इंटरनल एक्टिविटी, चाहे वो पब्लिकली हो या प्राइवेट, नज़र रखना की कोशिश करता है और नज़र रखना भी चाहता है, और खासकर मिलिट्री एक्टिविटी को वॉच आउट करने के लिए भी चाइना ऐसा करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और साथ ही साथ दोस्तों चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने भी क्वाड की मेंबरशिप का प्रपोजल भारत के सामने रखा था। अब ये क्वाड है क्या, एक्चुअल में ये एक पार्टनरशिप है ना चार कंट्रीज के बीच। इसमें अब ऐसा होगा कि USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान एक डिफेंस पैक्ट साइन करेंगे, जिसमें होगा ये कि अगर भारत और चाइना के बीच एक वॉर स्टार्ट होती है तो USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी भारत के साथ चाइना के खिलाफ खड़ी होंगे। अब देखते हैं भारत इसमें क्या रिएक्शन देता है। लेकिन अब इस पैक्ट में दिक्कत ये है कि अगर USA किसी के साथ वॉर छेड़ता भी है, मान लो ईरान के साथ वॉर छेड़ लेता है, तो ऑटोमेटिकली भारत भी ईरान के खिलाफ वॉर में एंटर होना पड़ेगा भारत को। तो ये एक ड्रॉबैक है इसका। देखो तो जाते जाते चाइना की इस स्ट्रेटेजी को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा दोस्तों, वो है सलामी स्लाइसिंग। अब इसका मतलब क्या है, तो ये सलामी क्या है, ये सलामी एक टाइप का मीट का टाइप होता है जो चाइना में आम है। तो जैसे सलामी को छोटा छोटा स्लाइस किया जाता है, वैसे ही चाइना अपने नेबर्स कंट्री के साथ छोटे मोटे बॉर्डर डिस्प्यूट करते रहता है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ और इसके फायदे भी बताता हूँ। जैसे भारत चाइना को ले लो, अब चाइना जो है वो लद्दाख के LAC के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के भी बहुत बड़े एरिया को क्लेम करता है ना, 1,000 स्क्वायर किलोमीटर में आता है वो एरिया। लेकिन चाइना इस पूरे रीजन को डायरेक्ट अटैक करके इसे हथियाने की कोशिश कभी नहीं करता, ये बहुत ही छोटे रीजन को सिर्फ क्लेम करता है। अब जैसे LAC और अरुणाचल प्रदेश बहुत बड़ा एरिया हो गया, लेकिन उसने सिर्फ क्लेम क्या किया, सिर्फ पांगोंग सो लेक और गलवान वैली, जबकि वो चाहता तो सीधे पूरे अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के रीजन पर ट्रूप भेज सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्योंकि अब अगर वो सिर्फ गलवान वैली को चुनता तो अब गलवान वैली दुनिया की नज़र में एक डिस्प्यूटेड एरिया हो गया ना, गलवान वैली को वो चुना तो। लेकिन पहले ये एरिया डिस्प्यूटेड नहीं था। अब भले गलवान वैली भारत की जमीन है, लेकिन सिर्फ गलवान वैली के लिए भारत चाइना पर सीधे हमला नहीं कर देगा, वो मिलिट्री टॉक्स करेगा, हाई लेवल टॉक्स करेगा, ये चाइना जानता था। इसलिए उसने सिर्फ छोटे से एरिया को ही डिस्प्यूटेड बना दिया। और अगर मान लो इसमें भारत कमजोर अगर दिखी, या कमजोर उसने भारत ने कुछ रिएक्ट किया, तो वो उस गलवान वैली को हड़प 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 कर कुछ साल बाद उसके आने वाले अगले रीजन को है ना, वो अगले रीजन को क्लेम करेगा। तो ऐसे ही चाइना अपनी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री के साथ ऐसे ही कंट्री के कुछ पार्ट को क्लेम करके या डिस्प्यूटेड बनाकर या फिर स्लाइस करके अपनी कंट्री में ऐड करता जाता है, और एक्चुअल में यह भी कर भी रहा है। और इसी वजह से जैसे भारत और पाकिस्तान के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बकाया लाइन ऑफ कंट्रोल में सॉरी LOC में बकायदा फेंसिंग लगी हुई है, लेकिन चाइना कभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फेंसिंग लगने ही नहीं देता। क्यों नहीं देता, इसी सलामी स्लाइसिंग को अंजाम देने के लिए। तो अब देखते हैं कि भारत अब इसके लिए क्या करता है। अब इतना तो है, चाइना इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है, लेकिन भारत अभी भी एक वॉर नहीं चाहता, कैजुअल्टीज नहीं चाहता। अब देखते हैं आगे ये टेंशन और बढ़ते हैं कि चाइना अपने ट्रूप्स को वापस पीछे लेता है। तो दोस्तों ये था एंड मेरे इस वीडियो का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों ये था एंड मेरे इस वीडियो का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।